पूंछ में शहीद हुए जवानों का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा। लोगों ने भारत माता की जय के नारों से शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वीरगति को प्राप्त हुए हवलदार मनदीप सिंह के पार्थिव शरीर को लुधियाना में पैतृक गांव लाया गया। परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल। लांसनायक कुलवंत सिंह का पार्थिव शरीर को मोगा के पैतृक गांव लाया गया। राजकीय सम्मान से किया जाएगा अंतिम संस्कार। गुरदासपुर पहुंचा शहीद हरकिशन का पार्थिव शरीर, परिवार को शहादत पर गर्व। गांव के लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़े। हमले में वीरगति को प्राप्त हुए लांसनायक देवाशीष बिस्वाल का शव भुवनेश्वर पहुंचा। देवाशीष बिस्वाल की पत्नी ने शहीद पति को श्रद्धांजलि दी। पुंछ में हुए हमले को लेकर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक तीन तरफ से आतंकियों ने की थी सेना की गाड़ी पर फायरिंग। करीब 32 राउंड फायर किए। तीन चार आतंकियों ने स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल किया जो बेहद घातक मानी जाती है। उस स्टील बुलेट से फायरिंग की है। बाद में दो ग्रेनेड दागे और फ्यूल टैंक को विस्फोट से उड़ा दिया। आतंकी घटना के बाद मौके पर पहुंची एनआईए की एक टीम ने घटनास्थल पर घंटों जांच की। एनआईए की टीम ने इलाके और सेना के उस ट्रक का इंस्पेक्शन किया जिस पर हमला बोला गया। एनआईए के बाद एनएसजी की टीम घटनास्थल पर पहुंची। एनएसजी की टीम ने भी अटैक वाले घटनास्थल पर सबूत इकट्ठा किए। पूंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला करने वाले आतंकियों का अब तक कोई सुराग नहीं। पिछले 45 घंटे से चल रहा है बड़े पैमाने पर आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन। देर रात तक पूरे इलाके को कार्डन ऑफ करके आतंकियों की तलाश की गई। पूंछ और राजौरी के जंगलों में आतंकियों को तलाशा जा रहा है। आतंकियों के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। आतंकियों के पकड़ने के लिए ड्रोन और स्नीफर डॉग्स की मदद ली जा रही है। सेना के सूत्रों के मुताबिक आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। सुरक्षा बलों ने कुछ संदिग्धों को भी पकड़ा है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। मददगारों की भी तलाश हो रही है। गुरुवार को 3 बजे आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। आईबी ने पूंछ में हुए हमले की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी। सूत्रों के मुताबिक आईबी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आतंकियों ने ट्रक पर 30 से ज्यादा गोलियां दागी। जांच टीम को ट्रक से 2 ग्रेनेड पिन और मिट्टी के तेल के वाष्प भी मिले हैं। न्यूज 24 को चश्मदीद ने बताया कि पूंछ में हुए आतंकी हमले में तबाही का मंजर बताया। घात लगाए आतंकियों ने कैसे वारदात को अंजाम दिया। इनकाउंटर चला हुआ था, गाड़ी पूरी जली हुई थी, आग लगी हुई थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुला रहे थे। कुछ पर्सन वहां पे ऐसे थे कि जिनको हम देख ही नहीं सकते थे। कुछ ऐसा लग रहा था कि मतलब बादल की वजह से हुआ, लेकिन वो सर बादल की वजह से नहीं हुआ। वो मैक्सिमम लोग जो बोल रहे थे कि वो इनकाउंटर हुआ है। आतंकी हमले की जिम्मेदारी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है। पूंछ में हुए हमले के बाद हाई अलर्ट जारी। मई महीने में श्रीनगर और लेह में G20 की बैठक होनी है और PAFF ने उससे पहले G20 की बैठक को लेकर भी धमकी दी थी। अतीक अहमद और अशरफ के शूटर्स की निशानदेही पर होटल से 2 मोबाइल फोन बिना सिम कार्ड के बरामद। मोबाइल फोन की SIT कराएगी फॉरेंसिक जांच। फोन से खुल सकते हैं बड़े साजिश के तार। डेटा रिकवरी की कोशिश। मोबाइल फोन से मास्टरमाइंड का पता चल सकता है कि अतीक अशरफ की हत्या से पहले शूटर से किससे बात की। पुलिस को शक है कि 3 शूटर्स के अलावा 2 अन्य लोग भी मौजूद थे जो शूटर्स को दिशा निर्देश दे रहे थे। पुलिस CDR ने शूटर्स के आका का पता लगाने में जुटी हुई है। शाइस्ता परवीन और जैनब फातिमा की तलाश में जुटी UPSTF। कई जिलों की पुलिस की छापेमारी जारी। चकमा देकर लोकेशन लगातार बदल रही है दोनों। शाइस्ता परवीन का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने बेटों के साथ मंच पर नजर आ रही है। 2021 का ये वीडियो है जब शाइस्ता ने AIMIM को ज्वाइन किया था। उमेश पाल हत्याकांड में नया खुलासा। वकील खान सौलत हनीफ की भी भूमिका आई सामने। असद और वकील खान सौलत हनीफ का मोबाइल चैट सामने आया है। चैट में वकील खान सौलत हनीफ ने असद को उमेश पाल की भेजी थी तस्वीरें। कई तस्वीरें 19 फरवरी को भेजी गई थी। असद ने उमेश पाल की उन्हीं तस्वीरों को दूसरे शूटर्स को फॉरवर्ड किया। ईद के मौके पर कोलकाता के एक कार्यक्रम में पहुंची ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए बीजेपी पर साधा निशाना।
ममता बनर्जी ने कहा, हम बंगाल में शांति चाहते हैं, हम दंगे नहीं चाहते, हम देश के टुकड़े नहीं करना चाहते। ममता बनर्जी बोली, जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं, मैं आज ईद पर वादा करती हूं कि अपनी जान दे दूंगी लेकिन देश को बटने नहीं दूंगी। एनसीपी में मची उथल पुथल के बीच पुणे में अजीत पवार के समर्थन में पोस्टर्स लगे। अजीत पवार को जनता के मन का मुख्यमंत्री बताया गया। पुणे के कोथरूड इलाके में ये पोस्टर्स लगाए गए। एनसीपी कार्यकर्ता शिविर में अजीत पवार के शामिल नहीं होने के बाद अब पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें अजीत पवार की जमकर तारीफ की गई है। मुंबई में एनसीपी कार्यकर्ताओं के शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर शरद पवार की अगुवाई में हुआ लेकिन एनसीपी की तरफ से जो नेता बैठक में बुलाए गए हैं उनमें अजीत पवार का नाम नहीं। एनसीपी के कार्यक्रम में शरद पवार ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा दो बच्चों की लड़ाई होने पर दी जाती है ईडी की धमकी, साथ ही कहा ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। शरद पवार ने पुलवामा अटैक और नरोदा हिंसा को लेकर भी कहा, सैनिकों को समय रहते जरूरी सुविधाएं नहीं दी गई, इस कारण जवान शहीद हुए, तो गुजरात दंगों के दौरान दोषियों को बरी करने के फैसले से कानून और संविधान मारा गया। आज से बदल गया कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पता। मां सोनिया गांधी के साथ 10 जनपद वाले घर में रहेंगे राहुल। संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन के आवास खाली करने का जारी हुआ था नोटिस। 22 अप्रैल तक सरकारी आवास खाली करने की दी गई थी मोहलत। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने किया तलब। इंश्योरेंस घोटाले से जुड़े मामले में सीबीआई के सामने 27 से 29 अप्रैल के बीच मलिक पेश हो सकते हैं। दिल्ली के अकबर रोड के गेस्ट हाउस में होगी बातचीत। जम्मू कश्मीर गवर्नर के तौर पर मलिक ने इंश्योरेंस स्कीम को किया था खारिज। 300 करोड़ रिश्वत की पेशकश का भी किया था दावा। सत्यपाल मलिक को तलब किए जाने पर कांग्रेस ने कसा तंज, कहा आखिरकार पीएम मोदी से नहीं रहा गया। सत्यपाल मलिक ने देश के सामने उनकी कलई खोल दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना, कहा पूरा देश आपके साथ है, खौफ के इस दौर में आपने बहुत साहस दिखाया है, वो आपका मुकाबला नहीं कर सकते। भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन। सितंबर के महीने में भारत की यात्रा पर जो बाइडन इस साल दिल्ली में होने वाले G20 की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे भारत। सूत्रों के मुताबिक बाइडन की यात्रा से पहले गर्मियों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जा सकते हैं, अमेरिका की स्टेट विजिट कर सकते हैं प्रधानमंत्री। टीएमसी एमएलए तापस साह के घर पर सीबीआई रेड, अलमारी तोड़कर ली गई तलाश, मोबाइल भी किया गया जब्त। तापस साह पर शिक्षक भर्ती और दमकल भर्ती घोटाले में शामिल होने के आरोप हैं। तापस ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। देश में कोरोना के मामलों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में 12,193 नए कोरोना मरीज मिले, एक्टिव मरीजों की तादाद 67,000 से पार। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 42 लोगों की मौत हुई है, इसमें से 10 मौत अकेले केरल से है। दिल्ली और महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं मरीज। 24 घंटे में कोरोना के 1,527 नए केस दर्ज किए गए, 3 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 993 नए मामले सामने आए। देशभर में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट। केंद्रीय सरकार ने 7 राज्यों को लिखी चिट्ठी, सतर्क रहने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य सचिव ने यूपी, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, हरियाणा और दिल्ली के स्वास्थ्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर अलर्ट रहने को कहा। केंद्र की ओर से इन राज्यों से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी जिलों में अलर्ट रहने के लिए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए भी निर्देश दिया गया। भावनगर डमी कांड में आप नेता युवराज सिंह जडेजा गिरफ्तार। पूछताछ के बाद जडेजा को किया अरेस्ट। जडेजा पर डमी कैंडिडेट के नाम छुपाने के लिए वसूली का आरोप। युवराज सिंह जडेजा ने हाल ही में डमी कांड का किया था खुलासा। जडेजा और उसके सहयोगियों के खिलाफ रंगदारी और आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज।
दिल्ली में ईद उल फितर के मौके पर लोगों ने जामा मस्जिद में अदा की नमाज। नमाज के दौरान लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां दी। असम के गुवाहाटी में ईद उल फितर के अवसर पर लोगों ने दक्षिण गांव ईदगाह मैदान में नमाज अदा की। इस दौरान लोग बेहद खुश नजर आए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ईद उल फितर के अवसर पर लोगों ने रेड रोड पर नमाज अदा की, साथ ही लोगों ने ईद की मुबारकबाद दी। बिहार के पटना में लोगों ने ईद उल फितर के मौके पर गांधी मैदान में नमाज अदा की। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने ईद की बधाई एक दूसरे को दी। उधर महाराष्ट्र में ईद उल फितर के मौके पर मुंबई की माहिम दरगाह में लोगों ने नमाज अदा की। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। केरल के कोची में ईद उल फितर का जश्न मनाया गया। लोगों ने कलूर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में नमाज अदा की। जम्मू कश्मीर के जम्मू में ईद उल फितर के अवसर पर लोगों ने नमाज अदा की, साथ ही सैकड़ों लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में इफ्तार पार्टी का आयोजन। समारोह में लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। पंजाब में गुरु अंगद देव की जयंती के अवसर पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मिट्टी के दीपक जलाए गए और आतिशबाजी की गई। बद्रीनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। बद्रीपुरी को सजाने के लिए गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट के छात्र बद्रीनाथ पहुंचे। रोहतक में मंडियों में जगह नहीं होने की वजह से किसान खुले में गेहूं डालने पर मजबूर हैं। गेहूं सड़क पर डाले जाने की वजह से रास्ता एकतरफा हो गया है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व को देखते हुए मथुरा में ट्रैफिक और सुरक्षा प्लान तैयार किया गया। मंदिरों में होने वाली भारी भीड़ को देखकर उठाए गए ये कदम। इटावा में गर्मी को देखते हुए शेरों के लिए छप्पर बनवाए गए, साथ ही जानवरों के भोजन को कम किया गया। लखनऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने दिनदहाड़े महिला को तमंचा दिखाकर उसकी चेन लूट ली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चेन छीनने आए गुंडों से अकेले भिड़ गई महिला, लेकिन बदमाश ने तमंचा निकालकर उस पर तान दी और चेन छीनकर फरार हो गए। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नगर निकाय चुनाव के लिए शराब ला रहे दो तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चंडीगढ़ की 20 पेटी शराब बरामद। पंजाब की शिमला मिर्च की खेती करने वाले किसानों को उठाना पड़ रहा है भारी नुकसान। वाजिब दाम नहीं मिलने की वजह से गुस्साए किसानों ने शिमला मिर्च को सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया। असम की गुवाहाटी में 4 दिवसीय रोंगाली कार्यक्रम का आयोजन। समारोह में असम संस्कृति परंपराओं को दर्शाया गया। मुंबई के भाईखला चिड़ियाघर जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए पानी के इंतजाम किए गए। राजस्थान के उदयपुर में प्रसिद्ध प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ में पहले वाटर लेजर शो का उद्घाटन। पर्यटक आज से वाटर लेजर शो देख सकेंगे। 5 लेजर शो करीब 7.5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जिला प्रशासन ने इंडस्ट्रियल संस्थान में लड़कों और लड़कियों के लिए मुफ्त में ट्रेनिंग शुरू की। ट्रेनिंग के दौरान युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तमिलनाडु के मदुरै में तल्लाकुलम पेरुमल मंदिर में चिथिराई उत्सव के लिए मुहूर्तकाल रोपण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की। आईपीएल में सुपर शनिवार में आज होंगे दो मुकाबले। पहला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगा, वहीं दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा। शाम दोपहर के 3:30 बजे मैच की होगी शुरुआत। वहीं मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आमने सामने होंगी।
चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। डेवॉन कॉनवे ने नाबाद 77 रनों की पारी खेली, सीएसके को जीत दिलाई। सीएसके की जीत के साथ ही धोनी ने संकेत दिए, कहा चाहे मैं जितना भी लंबा खेलूं लेकिन ये मेरे करियर का आखिरी चरण है, इसका लुत्फ उठाना बहुत जरूरी है। कनाडा के टोरंटो शहर के पियर्सन इंटरनेशनल में हुई इतिहास की सबसे बड़ी चोरी। चोरों ने एयरपोर्ट से 121 करोड़ के सोने से भरा कंटेनर चुराया। फिलहाल पुलिस शातिर चोरों की तलाश में है। दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिटसबर्ग में चली अंधाधुंध गोलियां गोलीबारी में एक ही परिवार के 10 लोगों की हुई मौत, जबकि कई जख्मी हुए हैं।